संजय अमर कॉलोनी में पुलिस कस्टडी में हुई एक शख्स की मौत। पुलिस ने लड़के को चोरी के मामले में किया था गिरफ्तार। परिवार वालों ने कहा पुलिस कस्टडी में हुई मौत, इंसाफ चाहिए। क्रॉस रिवर मॉल में फिर शुरू हो गया जिस्म फरोशी का धंधा। स्पा के नाम पर पहले भी कई बार पड़े हैं छापे। एक युवक और युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिलचाद गार्डन में बैंक के बाहर दो शख्स ने एक के साथ की ठगी। शख्स के 25,000 रुपए उड़ाए। पीड़ित ने थाने में कराया मामला दर्ज। पुलिस जुटी आगे की तफ्तीश में। गांधीनगर पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने कैलाश नगर में मारी रेड। रेड के दौरान 18 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सट्टा खेल रहे लोगों के पास से नकदी हुई बरामद। ताज की पेटी भी पुलिस ने की जब्त। पूर्वी दिल्ली के 12 वार्डों में मिली डेंगू मच्छरों की ब्रीडिंग। ईडीएमसी ने कराया दवाई का छिड़काव। नोटिस मिलने के बाद भी लोग बरत रहे लापरवाही। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय अमर कॉलोनी से एक मामला सामने आया है जहां 17 साल के राहुल की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है। दरअसल पूरा मामला ये है कि 11 फरवरी को आनंद विहार का एक स्टाफ राहुल को आनंद विहार थाने से एक चोरी के मामले में लेकर जाता है, जहां पर 8 दिन तक उसको थाने में रखा जाता है। 21 फरवरी को बाल सुधार गृह से राहुल के परिवार वालों के पास फोन आता है कि उसकी हालत गंभीर है, कि आप अस्पताल आकर राहुल से मिल लीजिए। परिवार जब अस्पताल जाता है तो उसके शरीर को देखते ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर पर कई चोट के निशान नजर आते हैं। वहीं परिवार को 1 मार्च को रात को कॉल मिलती है कि राहुल का देहांत हो चुका है। परिवार वालों का आरोप है कि ये पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई थी। सर जी, मेरे लड़के को घर से उठाया गया था। तो उठाया गया था? ये इसको उठाया गया था 11 फरवरी को। इसको कह रखा था हम पूछताछ करके छोड़ देंगे। अच्छा। तो हमने इन्हें भेज दिया जी। तो क्या उसके बाद कहते हैं हम जब कुछ बात होगी तो हम भेज देंगे, आप घर जाओ। अच्छा। हम घर आ गए थे, फिर उसके बाद हमारे को कुछ नहीं पता सर जी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें 11 फरवरी को उठाया जी, मेरे लड़के को भी मुझे तो छोड़ दिया। मेरे लड़के को वहीं बंद कर लिया, कह लगा 2-3 दिन के अंदर छोड़ देंगे उसको। अच्छा। मगर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर उन्होंने 11 फरवरी को उठाया। 19 फरवरी को वहाँ से मुखर्जी नगर में थाने में इसको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। फिर उसके बाद हमें 23 तारीख को फोन आया कि आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, आप देख आओ इसको। पहले चोरी के केस में ले गए, 5 जने पकड़े थे, 5 जनों में तो 3 जने छूट गए थे, ये 2 भाई पकड़े गए। 2 भाइयों पे केस करा था, वो नाबालिग बच्चे थे, वो भी बच्चे थे लेकिन वो ज़्यादा छोटे थे, उनको छोड़ दिया गया। हाँ, लड़का ख़त्म हो गया। हाँ जी, हमारा यही है, आगे की रिपोर्ट यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। 8 दिन थाना आनंद विहार में उस बच्चे को रखा और उसके बाद उसको मुखर्जी नगर बाल सुधार गृह में ले गए। बाल सुधार गृह में जब उसको लेकर गए हैं तो 19 तारीख में, तो इनका कहना ये है कि बाल सुधार गृह से इनको फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे की सीरियस कंडीशन है और हम उसको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले आए हैं, आप यहाँ आ जाइए। कलकडुमा के पास बने क्रॉस रिवर मॉल में एक बार फिर से जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया है। पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर एक युवक और एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम अरुण है और वहां पर नंद नगरी का रहने वाला है। युवती की उम्र करीब 22 साल है। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से दिल्ली के स्पा सेंटर कोरोना के कारण बंद थे। हाल ही में उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्रॉस रिवर मॉल में चल रहे एक स्पा सेंटर में फिर से जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो गया है। सूचना मिलते ही आनंद विहार थाना और स्पेशल स्टाफ की एक संयुक्त टीम बनाई गई और पुष्टि करने के लिए एक युवक को नकली ग्राहक बनाकर भेजा गया। स्पा सेंटर के रिसेप्शन पर अरुण नामक एक युवक ग्राहक को मिला। उसने मसाज के नाम पर नकली ग्राहक से 500 रुपए लेकर एक केबिन के अंदर भेज दिया। वहां पर 22 साल की युवती मौजूद थी। उसने युवक से अनैतिक कार्य के लिए 500 रुपए की और डिमांड की।
युवक ने उसे रुपए दे दिए और इसके बाद पुलिस टीम को इशारा कर दिया गया कि पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटर के रिसेप्शन पर आरोपियों ने नकली ग्राहक से मसाज के नाम पर रकम वसूली। इसके बाद अंदर मौजूद युवती ने उससे जिस्म फरोशी के लिए अलग से रुपए की डिमांड की। फिलहाल मामले में पुलिस को स्पा सेंटर चलाने वाली एक महिला और पंकज बब्बर नाम के एक शख्स की तलाश है और पंकज के नाम पर स्पा का लाइसेंस है। आनंद विहार थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वी दिल्ली के जीटीपी इनक्लेव थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है जिसमें दो ठग एक शख्स से 25,000 रुपए की रकम उड़ा ले गए। पीड़ित प्रमोद कुमार गौतम ने बताया कि वह हर्ष विहार में रहते हैं और फार्मा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। पीड़ित दिलशाद गार्डन के बैंक में जमा करवाने गए थे। इसी दौरान दो शख्स उनके पास आए जिसमें से एक शख्स ने कहा कि उनके पास 4 लाख रुपए हैं लेकिन खाता नहीं है और पैसे गांव भेजने हैं, इसलिए आप यहां 4 लाख रुपए अपने खाते में जमा करवा कर ट्रांसफर कर सकते हैं और सिक्योरिटी के तौर पर उनसे 25,000 रुपए बाहर खड़े होने की बात कही। प्रमोद ने जैसे ही बंडल खोला तो देखा कि रद्दी थी। जैसे ही प्रमोद बाहर आता है तो दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए और प्रमोद ने अपना मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। 17 तारीख को मैं बैंक में गया था। बैंक में जाके मेरे पास दो व्यक्ति आते हैं और दो व्यक्ति में से क्या कहते हैं कि मेरे पास 4 लाख रुपए हैं और मेरे 4 लाख रुपए ले लो और आप जो है ना अपने कैश अमाउंट मेरे को दे दो एज अ सिक्योरिटी कि हम जो यहाँ दो लोग आते हैं, दो में से एक व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे साथी के पास 4 लाख रुपए हैं, उस 4 लाख में से हम 2-2 लाख रुपए बांट लेंगे और आप ऐसा करना कि आप जो है ना बैंक के पीछे मिल जाना पर सिक्योरिटी के अमाउंट में कहीं आप भाग ना जाओ तो आप 25,000 रुपये आप मेरे को अपने दे जाओ और आप मेरे को बैंक के पीछे मिलना। इतना हुआ था और वो मेरे पैसे लेके भाग गए। जब मैं बैंक में उन पैसों को निकाला वो कागज़ में रैप थे और कपड़ा लगा हुआ था, ऊपर रुमाल में बंधे हुए थे, तो रुमाल को जब खोला तो उसमें कोई पैसे नहीं थे, उसमें सिर्फ कागज़ की गड्डी थी। वो कागज़ की गड्डी जब मैंने खोली तो उसमें कुछ नहीं, गत्ता गत्ता मिला था और कागज़ के पेपर मिले थे, कोई पैसे वैसे नहीं मिले थे। तो तुरंत ही मैंने फिर उसे की FIR कराई और FIR करने के बीट ऑफिसर मेरे को रास्ते में मिल गए थे क्योंकि मैं ढूंढ रहा था उन्हें बाइक से, अपनी बाइक पर ढूंढ रहा था, तो मेरे को बीट ऑफिसर मिले, वो मेरे को थाने ले गए और थाने जाकर मैंने FIR कराई। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्पेशल स्टाफ और पुलिस ने कैलाश नगर में रेड मारने के दौरान 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैलाश नगर में सट्टा चल रहा है। पुलिस ने एक टीम गठित कर कैलाश नगर में रेड मारी तो देखा कि कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं। रेड मारने के दौरान पुलिस की आरोपियों के पास से 22,650 रुपए बरामद हुए हैं। वहीं कई ताश की पेटियां भी पुलिस ने जब्त की हैं। पूर्वी दिल्ली के करीब 12 वार्डों में डेंगू मच्छर की ब्रीडिंग पाई गई है जिससे लोगों की लापरवाही देखी जा रही है और EDMC ने जिम्मेदारी लेते हुए रिवर बेल्ट में भी जहां जहां पानी भरा मिला वहां पर दवाई का छिड़काव कराया गया, लेकिन अब तक जहां सर्वे किया जा रहा है लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है और लापरवाही बरतने की बात नहीं कही जा रही है और साथ ही लोगों को नोटिस भी भेजे जाते हैं और लोग नोटिस के बाद भी लापरवाही बरतते हैं उन पर जुर्माना लगेगा। पूर्वी दिल्ली नगर निगम विक्टर बोन डिजीजेस डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया की रोकथाम के लगातार संघर्ष कर रही है और गत वर्ष हमने एरियल से भी हमने फॉगिंग कराई थी और जगह जगह जहां पानी रिवर बेल्ट में और जहां जहां पानी जमा होता है जमाव के लिए हमने दवाई का छिड़काव लगातार रखा। उसका परिणाम रहा कि काफी कुछ हम इसमें कंट्रोल कर पाए, लेकिन 12 वार्ड ऐसे जो जहां केसेस बढ़े हैं और हमें लगता है कि वहां पर क्या ऐसी परिस्थिति है कि वो केस क्यों बढ़े हैं पूरे ईस्ट दिल्ली में, तो वहां पर रेंडमली चेक हो रहा है 12 वार्ड में और जहां पर कोई किसी के घर में पानी या ओपन में पानी जमा करके रखते हैं जहां इस तरह से मच्छर पैदा होता है उनको पहले हम नोटिस भेजते हैं, हिदायत देते हैं कि आप आगे से ऐसा नहीं करें, पानी ढक के रखें, जहां पानी जमा होता है उसको रखें और इस तरह से हमारे अधिकारी भी लगातार इसको मॉनिटरिंग करें क्योंकि 12 जोन जो हाई रिस्क जोन थे उनको हम मॉडिटेट कर रहे हैं और उसमें हमें अभी हम किसी को पेनल्टी उसमें पेनल्टी क्लोज है कि अगर कोई वायलेशन करेगा बार बार नोटिस देने के बावजूद भी तो उस पर 1,000 से 2,000 तक की पेनल्टी होगी उस पर। यमुना पार की करीब 6 लाख जनता को अब पानी सुलभ हो सकेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोनिया विहार में बुधवार को अंडरग्राउंड जलाशय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे पूरे इलाके में पानी का प्रेशर बढ़ेगा और लोगों की पानी ना मिलने की शिकायत भी दूर हो गई है और जिन इलाकों को इससे लाभ होने वाला है उनमें सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी, चांदबाग, सभापुर और साथ ही चौहान पट्टी, पश्चिमी करावल नगर,
कमल विहार एक्सटेंशन, सभापुर गांव, रामा गार्डन, शांति नगर और शिव विहार शामिल हैं। सतीन जैन ने हर्ष विहार में सीवेज पंपिंग स्टेशन की भी आधारशिला रखी और इसे सीवेज प्लांट से रोजाना 38 लाख गैलन सीवेज ट्रीट किया जा सकेगा। इससे गोकुलपुरी विधानसभा की 8 अवैध कॉलोनियों में सीवेज की समस्या दूर होगी। इन दो कार्यक्रमों के साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी टकराव भी हो गया है। आपको बता दें कि दरअसल सोनिया विहार में जिस अंडरग्राउंड जलाशय का उद्घाटन हुआ है वह उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने बनवाया है। उन्होंने ही इस योजना के 80 करोड़ रुपए का फंड भी उपलब्ध कराया जो कि केंद्र सरकार ने ही दिया है। यह प्लांट 8 महीने से बनकर तैयार है लेकिन अब दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसका उद्घाटन कर दिया। बीजेपी ने इस पर विरोध जताया और इसे ओछी राजनीति कहा है। बड़ी बात यह है कि इलाके के सांसद मनोज तिवारी और विधायक मोहन सिंह बिष्ट को तो कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भी नहीं भेजा गया। आपको याद दिला दे कि इसी तरह जब सिग्नेचर ब्रिज का 2 साल पहले उद्घाटन हुआ था तब भी मनोज तिवारी को नहीं बुलाया गया था लेकिन वे जबरदस्ती उस कार्यक्रम में पहुंच गए थे जहां दोनों पार्टियों में टकराव भी हो गया था और पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल शादी समारोह और धार्मिक शोभा यात्राओं में इस्तेमाल होने वाले घोड़ा बग्गियों के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिए हैं। पूर्वी दिल्ली के घोड़ा बग्गी वालों का कहना है कि लाइसेंस नहीं होने के कारण काफी दिक्कतें होती थी। कभी MCD वाले यहाँ पर रोक लगा देते थे, अगर हमारे लाइसेंस बनेंगे तो हमें सहूलियत होगी। साथ ही इन लोगों ने यह भी कहा है कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि हम आसानी से बनवा सकें। यही लाइसेंस नहीं बन रहा, लाइसेंस बना दो। और क्या, बग्गी चलाते हैं हम भी, लाइसेंस नहीं है हमारे पास। MCD वाले तंग करते हैं, बग्गी पकड़ते हैं, कहते लाइसेंस दिखाओ, बग्गी का लाइसेंस बन जाए हम तैयार हैं। सहूलियत होगी आप लोगों को उससे? कुछ सहूलियत ही सहूलियत है, फिर बग्गी चला तो पाएंगे। लाइसेंस होना चाहिए अपना, गवर्नमेंट ही अपना सही असूल है ये, हमारे को तो मंजूर है। लाइसेंस होना चाहिए और अपना सबका अपना काम सही होना चाहिए। नहीं जा पाएगी, ठीक है बन जाए तो बेहतर ही रहेगा ये। और जैसे भी है नुकसान होता है घोड़े वाले का रोड पर, फिर कुछ तो मिलेगा, इससे फ़ायदा ही होगा। सहूलियत होगी, रोक लेते हैं बीच में कहीं पर भी, अरे लाओ लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस होता नहीं है फिर पकड़ लेते हैं, दिक्कत होती है फिर। लाइसेंस तो बनना ज़रूरी है, रोड पर कोई गाड़ी वाला जब मर्जी MCD वाला हाथ दे के रोकता है, वो पैसे मांगता है 1500, उसमें क्या कर सकता है बंदा। तो लाइसेंस तो जरूरी चाहिए हमें, बिल्कुल लाइसेंस दिखाएंगे सामने उनको, भैया लाइसेंस है हमारे हाथ में, वो जाने देंगे फिर। तो बात कर रहे हैं घोड़ा बग्गी वालों के विषय में। जी हाँ, ईस्ट MCD ने ये कहा है कि अब घोड़ा बग्गी के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो सड़कों पर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या फिर शादी समारोह होते हैं उनमें ये घोड़ा बग्गी नहीं जा सकेंगी। साथ ही साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात भी यहाँ की जा रही है, ये इंश्योरेंस भी इन लोगों को करानी होगी और इसी के बाद इसी शर्त पर जो घोड़ा बग्गी है वो सड़कों पर नजर आएंगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंट, CCN। पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रात के समय पुलिस की संदिग्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी। जब उस शख्स से पूछताछ की गई तो पता चला कि शख्स चोरी के लैपटॉप बेचने लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन आता है। तभी टीम ने गणेश कचौरी के पास जाल बिछाकर आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर लिया और उसे चोरी किए हुए लैपटॉप भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनावों में कुछ दिन बाकी हैं और सभी राजनीतिक दल MCD चुनावों में दमखल के साथ जुट गई है। MCD चुनावों में टिकट की चाह रखने वाले जगह जगह इलाकों के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में विश्वास नगर में नरेश अग्रवाल ने लोगों से मुलाकात की और जनता की मन की बात जानी। नरेश अग्रवाल ने लोगों से मुलाकात करके जाना कि जनता के मूड में इस बार कौन सी पार्टी को जिताना है और लोगों से इलाके की समस्याएं भी जानी। हम विश्वास नगर को आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं कि यहाँ की जो सुख सुविधा है, लोगों से पूछ रहे भाई आपको क्या तकलीफ है, किस चीज़ की आवश्यकता है। लोगों को यहाँ फैक्ट्री जो सील हो गई है उससे बहुत दुखी है, यहाँ से जो चले गए अब वो चाहते हैं ये डी सील होगी क्या होगी। बहुत से ने अपने रेंट पे दे रखी थी, उनसे उनका घर परिवार चल रहा था, बहुत से अपने खुद रोज़गार थे, चलो रोज़गार तो उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना कॉमर्शियल में ले गए, लेकिन उनकी फैक्ट्रियों की सीलिंग तो खुलनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी का वो टैक्स भी दे रहे हैं, उनके मीटर लगे हैं, बिजली का पानी भी भर रहे हैं, तो वगैरह हमारी सीलिंग तो खुलवाओ। हमारी चर्चा बेसिकली हो रही है
बी सीलिंग के लिए कि जो पहले सीलिंग हो गई थी फैक्ट्री में जो सीलिंग हुई है तो वो डी सीलिंग कैसे होगी और कब होगी? सफाई की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने के लिए हमने इनको सहयोग करने का निश्चय किया है और पूरे 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 विश्वासनगर में इनका सहयोग रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, 100% रहेगा। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।